हेलो, वेलकम टू माय चैनल एनके जनरल नॉलेज। आज हम बात करेंगे द कैटा काम्स ऑफ कॉम अल सोखाफा के बारे में। मध्ययुगीन दुनिया का यह आश्चर्य एक दुर्घटना से पता चला था। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में कोम इल सोखाफा के कैटा काम्स की खोज तब की गई जब एक गधा जमीन में एक छेद में गिर गया। पुरातत्वविदों का कहना है कि यह दफन जमीन में 1900 से अधिक सालों से अस्तित्व में है। अलेक्जेंड्रिया के कैटाकम्स लीबिया के रेगिस्तान के किनारे स्थित है। एक बार दफन स्थानों के लिए कैटाकम्स का उपयोग किया गया था, जो नेक्रोपोल में इलिनिस्टिक और प्रारंभिक इंपीरियल रोमन के साथ कैरोनिक अंतिम संस्कार पंथ में अलेक्जेंड्रियन कब्रों की एक सेना शामिल है, क्योंकि एक पवित्र सीढ़ी कब्रों में नीचे जाती है और थार को बिस्तर के दौरान सुरंग में डाल दिया जाता है। कैटाकम्स को ठोस चट्टान से उकेरा गया है। वे भूमिगत मार्ग और गैलरी है जो लगभग 600 एकड़ जमीन को कवर करते हैं। जब अधिक स्थान की आवश्यकता थी तो पहले के तहत अधिक दीर्घाओं का निर्माण किया गया था। 7वीं शताब्दी में अरबों ने कैटाकम्स को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। इसे 9वीं शताब्दी में तुर्कों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। सेरापिस के मंदिर ने प्राचीन कैटाकम्स के प्रवेश द्वार को चिन्हित किया। आज सेरापिस के प्रसिद्ध मंदिर में केवल इसके 400 स्तंभ हैं। कोम अल सोकाफा के कैटाम्बस मध्यकालीन के 7 अजूबों में से एक है, यानी कि यह है मेडिवल वंडर्स में से एक, द कैटाकम्स ऑफ कोम अल सोकाफा।